एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। अगर आप भी अपने स्किन पे चिपचिपाहट से परेशान हैं, रात को आप सोते हैं और सुबह उठते हैं तो आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा चिपचिपी फील होती है, आपको एक्ने निकल रहे हैं, आपका टी जोन पूरा ऑयली रहता है, अगर आप रात को एसी में सोते हैं तो सुबह उठने के बाद अजीब सा ड्राइनेस रहता है, स्किन पे झुर्रियाँ या फिर खिंचाव फील हो रहा है, तो आपको ज़रूरत है एक बहुत ही सिंपल से नाइट स्किन केयर की। अगर हम हमारी स्किन पे सिंपल से क्रीम भी अप्लाई करते हैं और उसको हटाए बिना सो जाते हैं तो हमें होते हैं मोटे मोटे एक्ने, क्योंकि नाइट क्रीम अलग तरह की होती हैं, डे क्रीम्स अलग होती हैं। तो अगर आपको भी गर्मियों में इस तरह की प्रॉब्लम आती है या फिर आपको अपनी स्किन को हेल्दी रखना है, अपनी स्किन को जवान रखना है, तो नाइट स्किन केयर तो चाहिए। तो आपके साथ बहुत ही सिंपल सा एक नाइट स्किन केयर रूटीन शेयर करूंगी जिसको आपको रेगुलर यूज़ करना चाहिए। ना यूज़ करने से हमारी स्किन पे पिंपल्स हो जाते हैं और हमारी स्किन बहुत ही जल्दी बूढ़ी दिखने लगती है। और ये नाइट स्किन केयर इतना आसान और इतना सिंपल है ना, सिर्फ हमको अपने चेहरे को ना क्लीन करना है। और कैसे करना है, ऑब्वियसली घर की चीज़ों से क्लीन करेंगे। तो चलो देखते हैं आसान सा सिंपल सा एक नाइट स्किन केयर रूटीन जो कि स्पेशली गर्मियों के लिए है। रात को सोने से पहले बस एक चम्मच बेसन ले लो, और बेसन हमें क्लिंजिंग प्रॉपर्टी होने की वजह से चेहरे को बहुत अच्छे से नेचुरली क्लीन करता है। अगर आपको बेसन सूट नहीं करता है तो आप इसकी जगह मुल्तानी मिट्टी या चंदन पाउडर का यूज़ भी कर सकते हैं। आप इसके साथ थोड़ा सा इसमें ऐड करेंगे हल्दी, ये नॉर्मल किचन की हल्दी मैंने नहीं ली है, ये एक्चुअली वाइल्ड टर्मरिक है यानी कस्तूरी हल्दी, लेकिन अगर आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप इससे थोड़ा कम किचन की हल्दी भी डाल सकते हैं। हल्दी से हमारे जो एक्नेस बर्स्ट होते रहते हैं, ऑयली स्किन बहुत ज़्यादा रहता है, उसके लिए अच्छा है। और दूसरा, चेहरे से दाग धब्बे भी हटाता है। तो अब इसमें मैंने डाला थोड़ा सा रोज़ वाटर और इसको एक बिल्कुल पतली सी कंसिस्टेंसी बना लेंगे, कोई फेस पैक नहीं चाहिए, बेसिकली क्लिंजर चाहिए और काफ़ी पतली सी कंसिस्टेंसी बना लेंगे। और अगर आप ये बेसन में थोड़ी सी हल्दी डालकर अपने बाथरूम में ही रखना चाहते हैं एक बॉक्स पर डालकर, तो रख लीजिए, तब आपको रोज़ वाटर से भी घोलने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल इसको एक चम्मच हाथ में लो और पानी के साथ घोल के इसको बस आपको अप्लाई कर लेना है। अगली चीज़ बनाते हैं कि आपको चेहरे में रात को लगा के क्या सोना है। तो एक डेढ़ दो चम्मच के करीब एलोवेरा जेल में आप डालो एक कैप्सूल विटामिन ई ऑयल का। ये हमारी स्किन को एलोवेरा जेल हाइड्रेट करेगा, विटामिन ई ऑयल जो है एंटी एजिंग काम करेगा। लेकिन गर्मियां हैं तो रोज़ वाटर ज़रूर ऐड कीजिए, क्योंकि विटामिन ई ऑयल थोड़ा सा स्टिकी होता है तो वो चिपचिपाहट देता है, तो वो गर्मियों में अच्छी नहीं लगती स्किन पे। तो थोड़ा सा इसमें रोज़ वाटर डालने से बैलेंस हो जाएगा। अब इसको अच्छे से मिक्स करो और आपका एक ही नाइट क्रीम बन गई। अब आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हो। आपकी आईज़ बहुत पफ़ी रहती हैं, रिंकल्स आ रहे हैं या झुर्रियाँ पड़ रही हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। तो सबसे पहले आप जो हमने क्लिंजर बनाया है उसको चेहरे पे अप्लाई कर लो। जैसे कि मैंने बताया, अगर आप बाथरूम में इसको यूज़ कर रहे हो तो डायरेक्टली पानी के साथ घोल कर अपने चेहरे को इससे आपको क्लीन कर लेना है। हल्का सा इसको रब करना, बहुत जेंटली, बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से रब नहीं करना है, हल्के हाथों से इसको रब करेंगे और हार्डली आधा मिनट तक इसको रब करेंगे और नॉर्मल चेहरे से और नॉर्मल पानी से चेहरे को वॉश कर देंगे। ये एक ऐसा नॉर्मल इजी सा क्लिंजर है जिसको सभी उम्र के लोग यूज़ कर सकते हैं। बेसन अधिकतर सभी स्किन टाइप्स को सूट करता है, लेकिन अगर आपका ज़रूरत से ज़्यादा ड्राई स्किन है, तब आपको ये लग रहा है कि बेसन हमें सूट नहीं कर रहा है, तो आप इसमें थोड़ा सा दही भी डाल सकते हो। अब उसके बाद इसको धोने के बाद सिंपली जो हमने नाइट क्रीम बनाई है उसको अपने चेहरे पे अप्लाई कर लो और बहुत हल्के हाथों से मसाज करो। मसाज करने से ब्लड सर्कुलेशन तो इम्प्रूव होगा ही होगा, आपकी स्किन के ना जो सेल्स डेड हो रही हैं वो जान आएगी, उनमें नया इम्प्रूवमेंट आएगा। तो जब आप इस तरह से हल्के हाथों से मसाज करेंगे तो इससे स्किन बहुत रिलैक्स होती है। तो आप इस तरह अपलिफ्ट करते हुए मसाज करो आँखों के नीचे, आँखों के ऊपर, टी जोन में। और ये मत समझिएगा कि इससे चेहरा ऑयली होगा, नहीं, इससे चेहरा हाइड्रेट होगा। और स्किन जितनी हाइड्रेट होती है ना, उतनी ग्लो करती है। ज़्यादा से ज़्यादा दिन में पानी पिया करें, पानी पीने से भी स्किन हमारी बहुत हाइड्रेटेड रहती है और पिंपल्स और एक्ने की प्रॉब्लम नहीं होती। तो बस ये लगा लिया आपने, अब आपको इसको हटाना नहीं है, सिंपली रात को सो जाइए, फिर देखिएगा अगले दिन फर्क।
पसंद आया अगर आज का ये वीडियो तो आपको पता है कि मुझे जाते जाते एक लाइक देते जाना है, क्योंकि आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस, अच्छी अच्छी रेमेडीज लाने का मेरा मन करता है। और अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा ये वीडियो तो ट्राई ज़रूर करके देखिएगा। चलिए फिर मिलती हूँ, और इस नाइट स्किन के रूटीन को सभी उम्र के लोग, सभी स्किन टाइप के लोग फॉलो कर सकते हैं। बाय बाय।